रसलपुर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक हंगामे के साथ हुई स्थगित। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर पंचायत भवन में सोमवार को कार्यकारिणी की एक बैठक रसलपुर मुखिया मुन्ना सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मौजूद कार्यकारिणी की सदस्य ने बताया कि पूर्व की कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव वही बदल दिया गया है। उक्त प्रस्ताव में दर्जनों योजना लिया गया है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब मीडिया ने कार्यकारिणी सदस्यों से पूछा कि प्रस्ताव वहीं पर हस्ताक्षर आखिर तब किसका है, जिस पर मौजूद सदस्यों ने बताया कि पूर्व में परिचय पात्र के नाम पर एक डायरी में हस्ताक्षर करवाया गया था, जिसे अब प्रस्ताव वहीं बताया जा रहा है। वही जो प्रस्ताव वही था, उसे गायब कर दिया गया है, जिससे हम लोग काफी आहत हैं और पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। जिसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा होता रहा। वहीं हंगामा देखते ही मौजूद पंचायत सचिव मंटूष कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक को कॉलम के अभाव में स्थगित कर दिया। विदित हो कि कार्यकारिणी की बैठक में बहुमत की संख्या में कार्यकारिणी सदस्य मौजूद नहीं हुए थे। वहीं उक्त कार्यकारिणी की बैठक में सदस्य के द्वारा लगाए गए आरोप को मुखिया मुन्ना सैनी ने निराधार बताते हुए जान का खतरा बताया है। मामला है, आज कार्यकारिणी का बैठक था, कहाँ पे? तो जोर वहाँ पर जो है तो बैठक रजिस्टर जो निकाले पंचायत सचिव, उस रजिस्टर पे बहुत पहले एक बार जिस समय चुनाव के बाद सब वार्ड आए थे, परिचय पत्र हुआ था, उसी परिचय पत्र में जो है तो एक बार साइन किया गया। बाकी उसमें आज जो देख रहे हैं हम लोग, उसमें लगभग 30-40 योजना ऐसे ही चढ़ाया गया जिसमें किसी वार्ड को कोई जानकारी नहीं। सब वार्ड अचंभित है कि योजना आया कहाँ से, उस पर चढ़ा कैसे चढ़ गया। तो ये धांधली कर करके और किसी वार्ड को बिना जानकारी दिए हुए योजना चढ़ा करके और पूरे पंचायत में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हम लोग जो है सो आज CGM सर भी आए थे जाँच में, आवेदन दिए थे DM सर के पास, तो हम CGM सर के पास आवेदन दे रहे हैं कि उस रजिस्टर पे जांच हो, हर एक वार्ड सदस्य को बुला के पूछा जाए कि आपने दस्तखत किया था तो इसमें आपको योजना की जानकारी दी गई या नहीं, इसका हम मांग करेंगे, जांच का मांग करेंगे। क्या लगता है वो रजिस्टर जो है मतलब बिल्कुल फर्जी रजिस्टर है वो, और उस रजिस्टर का जाँच होगा तभी पता चलेगा कि उस रजिस्टर में जितना योजना चलाया गया उसमें एक योजना का भी जानकारी किसी वार्ड सदस्य को नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार, वार्ड 14। बैठक स्थगित हो गया? बैठक स्थगित हो गया, सारा वार्ड सदस्य उस रजिस्टर देख करके बहुत सारे तो चले गए, हम लोग लास्ट तक रुके हैं, लेकिन उसके बाद जो है सो बोले कि स्थगित का दस्तखत किए, हम तो नहीं किए, एक दो वार्ड सदस्य दस्तखत किए हैं, बोले कि स्थगित का दस्तखत कर दीजिए कम से कम, तो स्थगित का 2-3 वार्ड सदस्य दस्तखत करके कर गए। स्थगित का आपको भी दस्तखत कर देना चाहिए? नहीं, तो हमको पहले जांच करके ये पता तो चले कि वो जो योजना चढ़ाए हैं उस योजना को मतलब कैसे चढ़ गया, हम लोग जब थे ही नहीं, हम लोग को जानकारी ही नहीं मिला है, तो योजना चढ़ा कैसे। तो जांच का ये विषय, जांच जब पूरा हो जाएगा हम लोग हमेशा बैठक करेंगे, अब दस्तखत करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, विकास के लिए तो बैठक करना ही है, लेकिन लूटपाट के लिए बैठक नहीं करेंगे। निर्णय यही लिया गया कि हम लोग को पता नहीं था, पहले जो दस्तखत करवाए थे वो दस्तखत था जौन परचम का, मैंने जो आप कौन वार्ड से, आपका नाम क्या है, इसका हम लोग दस्तखत किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारा योजना चढ़ा हुआ था, ये देख के हम लोग मैंने विचलित हो गए, इसीलिए हम लोग दस्तखत अलग कर दिए, लेकिन कार्यकारिणी का जो मीटिंग था उसको हम स्थगित कर। क्या नाम है? मेरा नाम है निर्भय कुमार चौधरी, वार्ड 14। क्या लगता है जो योजनाएं ली गई थी आपको ज्ञात नहीं है? हमको ज्ञात नहीं था, पता भी नहीं। अच्छा, अपने मन से योजना लिया गया? योजना लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग जैसे पंचायत भवन कार्यकारिणी सूचना मिला मोबाइल के माध्यम से, तो आए पंचायत भवन, तो रजिस्टर जो सचिव जी के द्वारा जो रजिस्टर दिखाया गया है वो रजिस्टर देखकर हम लोग काफ़ी विचलित हो गए, जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, उतना विचलित हो गए जो उस समय जो साइन करवाया गया था सारे वार्ड सदस्य, उस समय सचिव थे राम सरोवर शर्मा जी, सिर्फ पर्चे का, अभी देख रहे हैं जो योजना चढ़ा हुआ है काफ़ी संख्या, जो हम लोग को कुछ भी मालूम। क्या लगता है आपको धोखाधड़ी करके योजना? धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। अभी का बैठक स्थगित हो गया? स्थगित हो गया। नाम क्या हुआ? राजेश साहब। वार्ड नंबर? 12, प्रतिनिधि। क्या क्या निर्णय लिया गया? कोई निर्णय नहीं लिया गया। क्या उसमें बातचीत हुई? बातचीत अभी कुछ होबे नहीं किया। अच्छा, पूर्व की योजनाएं को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूर्व की योजना में हम जो है हम लेकर दिए ईट सोलिंग। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि नहीं सोलिंग नहीं, सिर्फ PCC, हम दिए थे PCC ढाला, बोलने मिस्टेक हो गया, हम लेकर दिए थे PCC नाला, और यहाँ जैसे ईट सोलिंग चढ़ाया गया, हमको जानकारी नहीं था कि ईट सोलिंग चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया, हम तो दिए थे
किसीसी वाला। अच्छा, कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ तो आपके सामने में योजनाएं नहीं चढ़ी क्या? अगर हमने सामने में चढ़ता तो इसलिए चढ़वेबे नहीं करते ना। अच्छा, अगर हम सामने में चढ़ता तो हम चढ़वेबे नहीं करते। कार्यकारिणी बैठक का जो प्रस्ताव वही होता है वो आपके संज्ञान में है, ज्ञात है? क्या मतलब, नहीं समझे। कार्यकारिणी का जो बैठक में जो योजनाएं ली गई है उस योजनाएं के बारे में आपको कोई पता नहीं है क्या? हमको पता है, कहाँ से आएगा, हम तो लिख कर दिए थे। हम उतना ही बात बोलेंगे अभी भी या कभी भी, हम लिख कर दिए पीसीसी ढलाई नाला और योजना में ईट सोलिंग चढ़ा है। कैसे चढ़ा? मैंने आपके उपस्थिति में जो है योजना नहीं चढ़ता है। हमने अनुपस्थिति में ईट सोलिंग चढ़ाया, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं? क्या नाम हुआ? हमारा गंगा प्रसाद पासवान, वार्ड नंबर 6। मुखिया जी, आज आपके पंचायत भवन में जो है कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक से बाहर कार्यकारिणी के सदस्य निकलकर ये आरोप लगा रहे हैं जो प्रस्ताव वही होता है, उस पर हमने जो योजनाएं दी थी वो प्रस्ताव वही ही बदलाव कर दिया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। वही अगर चेंज होगा तो साइन तो चेंज नहीं हो सकता है। उसमें समथिंग 14 वार्ड का साइन है और जितने वार्ड जो है योजना दिए थे वो उस पर चढ़ा हुआ है और वो देखने की चीज़ है। और हर वार्ड में ऐसा नहीं है कि मान के चलिए 16 वार्ड है तो पाँच ही वार्ड में जो है पाँच ही वार्ड का जो है उस पर योजना चढ़ा और बाकी की नहीं चढ़ा, ऐसा बात नहीं है। और उसमें 16 वार्ड का योजना चढ़ा हुआ है, जिस टाइम वो लोग बताए थे उसी हिसाब से जो है उसको चढ़ाया गया। लेकिन आपके कार्यकारिणी सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं जो बैठकर जो है जान पहचान के लिए जो है एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाया गया था जिसको बाद में जो है प्रस्ताव वही के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है, जैसे जान पहचान के लिए उसको कार्यकारिणी की बैठक में लेने का कोई जरूरत नहीं है। जान पहचान तो ऐसे सब वार्ड आए मौखिक रूप से बात विचार किए हो गया, कार्यकारिणी के बैठक में ही जो योजना मतलब जो है चढ़ा है वो कार्यकारिणी के बैठक में चला है। देखिए यहाँ साजिश के तरह दमंगपना के तरह यहाँ पर जो है दो चार को जो है वार्ड अपना दमंगपना दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने देखे होंगे कि 3-4 दिन पहले ग्रुप में एक वीडियो चला था, जो मान लीजिए जो एजेंसी है एक नंबर वार्ड में काम चला है और क्या बोलता है एक नंबर के वार्डर हमारे अभी उप मुखिया जी हैं, उनका दोनों वार्तालाप हो रहा है कि रोड बन गया, आप रोड बना रहे थे, हम रोड गए, कलेजा मेरा फट गया। क्यों भैया कलेजा आपको फट गया? हाँ, आप तो काम नहीं कर सकते। काम जो भी होता है पंचायत का वो प्रशासनिक होता है, आप प्रशासनिक जब होगा तो वार्ड हो या मुखिया हो वो थोड़े काम करेगा, वो प्रशासन करेगा, है कि नहीं? आप देख रेख में कीजिए, अगर कोई तरह का गलत अगर काम हो रहा है तो उसको देखना है। उसके बाद उसमें वो भी बोल रहे हैं कि रसलपुर पंचायत तो मुखिया गया, मुखिया तो हम बनेंगे, मुखिया हम क्रिया खाए हुए हैं तो मुखिया है तो हम, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 3-4 जो दमंग है वो ये सोच रहे हैं कि इनको मरवा के हम मुखिया बन जाए। और इनको मान लीजिए समाजे है उसमें कुछ मतलब गलत प्रवृत्ति के भी लोग हैं, वो भी इनको प्रोत्साहन दिया हुआ है कि मुखिया का मार दो तो मुखिया बन जाएगा। सरासर यही मुद्दा अभी चल रहा है, विरोध इसी का ये चीज है। आपके कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं मुखिया जी लगातार आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, बिना बैठक का बिना प्रस्ताव लिए ही योजनाएं को जो है आप अपने मर्जी से लेके जो है योजनाएं कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी मान लीजिए अभी काम हुआ है पंचायत में वो ग्राम सभा में पारित है और उसके बाद कार्यकारिणी में भी जो है उसको लेकर ही किया गया है। जो हम 4-5 दिन पहले अधिकारी जो हमारे वरीय अधिकारी हैं उनको भी दे दिए हैं। और रही बात क्या, ये इससे पहले जो 2016 से 21 तक में जो चला था उसमें जो है 7 निश्चय योजना लाए थे हमारे मुख्यमंत्री साहब, तो उसमें क्या था वित्तीय पावर जो है वार्डर लोग को भी दिया गया था, तो वही उनको जो है खल रहा है कि भाई हमको पैसा दीजिए हम काम करें, तो हम पैसा आपको कैसे दें? वो तो अभी बंद हो चुका है स्कीम, तो वो तो हम दे नहीं पाएंगे। अभी जो भी काम होगा वो मान लीजिए प्रशासन काम करेगा, हम लोग हम मुखिया हम तो अनुशंसा करेंगे, बाकी मान लीजिए पैसा डालता है अकाउंटेंट, एस्टीमेट MBA बुक करता है JEE इंजीनियर, उसमें मुखिया का क्या रोल है? अब मुखिया कैसे मान लीजिए अपना मन से काम करें? पिछले दिन मुखिया जी देखने को मिला आप जिले में जाकर SP साहब से अपनी जान की जो है सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, आखिर क्या कर रही है पुलिस अभी तक? देखिए इस पे जो है हमने SP साहब को DM साहब को
और हमारे दरअसल भगवानपुर प्रखंड के जो थाना है वहाँ हमने आवेदन दिया है, क्योंकि एक वीडियो मान के चलिए हमारे पास आया था, उसमें स्पष्ट जो है हमारे उप मुखिया लक्ष्मण कुमार राय जो है वो एकदम स्पष्ट में कह रहे हैं कि रसलपुर पंचायत के मुखिया तो गया, मुखिया की कुर्सी पर हम बैठेंगे, हाँ उसको कोई नहीं, अब हमको कोई नहीं रोक सकता है मुखिया बनने से, और हम क्रिया खाए हैं मुखिया नहीं तो हम, तो इसी से हम बहुत सदमा में और मेरा परिवार अभी चल रहा है, और ये पहले भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका थाना में भी अपराधी प्रवृत्ति का जो है केस शायद अभी रिकॉर्ड में है, तो यही हम लोग सोच के जो है ये लोग जो है शाम को सुनते हैं कि हमारे घर का जो है हमारा घर का दुकान मेरा जो घर जो आप जाइएगा काली स्थान उसका बगल से एक रोड गया है जो मेरा घर पर जाता है, वहाँ पर एक दुकान में देखिएगा सीसी कैमरा लगा हुआ है, आज से हमने आज भी थाना में कहे हैं कि 10 दिन पीछे का वहाँ का जो है सीसी कैमरा खंगालिए सर, दिन में ये जो उप मुखिया लक्ष्मण कुमार है दिन में 5 बार 6 बार जो है उस रोड में चक्कर लगाते रहता है 4-5 गो मोटरसाइकिल लेकर, ताकि कब मुखिया निकले और कब इस पर जो है आक्रमण करें, आप विश्वास नहीं करिएगा हम वो रोड छोड़े हुए हैं, मेरा भी वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है उस रोड पर, देखिएगा कि हम कितना बार हम उसमें आना जाना करते हैं, हम दूसरा रूट से डर से जाते हैं, तो हम यही अभी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह हमारा जो है इस सुरक्षा हमको दिया जाए, और जो ऐसा प्रवृत्ति का लोग है और जो ये कह रहे हैं उनका क्या मंशा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपके द्वारा मुखिया जी एक ऑडियो वायरल किया गया था जो बहुत छोटा था, हम लोगों को बाद में पता चला जब लक्ष्मण जी के द्वारा एक और ऑडियो उसी ऑडियो का अंश बाद में वायरल किया गया, तो उससे कुछ और स्पष्ट हो रहा है? नहीं नहीं उससे स्पष्ट नहीं है, आप सुने होंगे तो दोनों ऑडियो एक ही है, उसमें एक्चुअली क्या था कि कोई भी बड़े अधिकारी है उतना नहीं सुन पाते, इसलिए हम उसको जो है करके दिए, और पूरा जो है वीडियो भी हमारे पास ऑडियो भी मेरे पास में है, जब ये जांच होगा हम पूरा वीडियो सर को जो भी प्रशासनिक आदमी जांच में आएंगे उनको पूरा हम वीडियो दिए भी हैं और देंगे। क्या प्रशासन से आप भरोसा का उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, और जल्द से जल्दी इस पर जो है संज्ञान में लेकर SP साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है। धन्यवाद।